आईपीओ भी खुल रही है MTAR टेक्नोलॉजीज, क्या सलाह देंगे यहाँ पर? पैसा लगाइए, लगाएं 100% बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। अच्छा, बड़े लिस्टिंग गेन एंड बड़े लिस्टिंग गेन, तो कन्विक्शन वाला आइडिया। कन्विक्शन वाला, इसीलिए मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, ये हो नहीं पा रहा था। अब मैंने इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आईपीओ के पहले कोशिश करके मैनेजमेंट से बात की जाए, तो क्या हमारा भी कन्विक्शन बनता है कि भाई मैनेजमेंट से बात करते हैं ना, तो थोड़ा समझ में आता है कि व्यू क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे, दो तीन अच्छे सवाल पूछ ले उनसे तो कुछ निकल कर आ जाता है ना। सही, तो जैसे कल मैं बात कर रहा था कि नया मैनेजमेंट 200 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है, बिल्कुल ये क्वालिटी दिखाता है जी। और क्वालिटी में आप देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी इन्होंने प्री आईपीओ लिया 6% 7% नीचे की प्राइस मिली है, 540 में उन्होंने लिया। लेकिन एक साल रखना होता है, अगर आप आईपीओ से पहले किसी कंपनी में पैसा डालते हैं तो मिनिमम आपको एक साल होल्ड करना होता है, राइट? तो जिस दिन आपने लिया उस दिन से ये दिखाता है कि कमिटमेंट है। एंकर बुक देखिए बहुत ही तगड़ी बनता रही है। तो ये अब इसमें अच्छी चीजें क्या है वो पहले समझ लीजिए। पहली बात तो ये यूनिक बिजनेस मॉडल है जी। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष वाली इसरो से रिलेटेड जो काम काज है, एरोस्पेस में इसमें काम करते हैं। इसमें आज भी इनके पास जितना पैसा है ये बिजनेस करें, उससे डबल पैसा मैं आपको दे दूं, आप कर पाएंगे? नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसके लिए अलग तरह की एक्सपर्टाइज चाहिए। आप साइंटिस्ट हैं तो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, एंट्री बैरियर्स भी है बहुत है। अच्छा, प्लस ये इनके ब्लूम एनर्जी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, इनके साथ इनका टाइप है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को सप्लाई करते हैं, इसरो को सप्लाई करते हैं, DRDO को करते हैं, ये सारी सरकारी डिपार्टमेंट कंपनियां हैं। तो यहाँ इतना आसानी से एंट्री भी नहीं है जी। और जो सेंसिटिव स्पेस है तो वहाँ एंट्री बैरियर है, इजीली आप घुस नहीं सकते। और क्वालिटी, ये क्वालिटी से ज्यादा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं कैसे पकड़ता हूँ वो बताऊं। एक मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू पकड़ा कि मैनेजमेंट इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बात करा। दूसरी एक चीज मैंने पकड़ी, आप सोचो बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी है जी। अब तक इस कंपनी का एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ, एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। क्वालिटी कंट्रोल है, जिस स्पेस में काम करते हैं एक ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। और सेंसिटिव स्पेस है, सेंसिटिव स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी, फिर भी नहीं हुआ रिजेक्ट। ये चीज है जो आपको कंपनी में यूनिक नजर आती है। तो पहला यूनिक बिजनेस मॉडल है, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस शानदार, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया, कामकाजी मुनाफा 28-30% के आसपास करते हैं। आई एम श्योर जो मैनेजमेंट ने बताया कि मेंटेन करेंगे, बढ़ेगा ही। और एंकर्स का और बड़े इन्वेस्टर्स का अच्छा इंटरेस्ट है, ये चार चीजें अच्छा। अब थोड़ा सा इसमें नेगेटिव क्या है, ये तीनों ही बड़े क्लाइंट जो NPC और इसरो और ब्लूम एनर्जी, ये तीनों मिला के 80% बिजनेस। सो बेसिकली क्या है, इनको जिंदगी भर इन तीन लोगों के लिए काम करना है। कॉन्सेंट्रेशन वो रिस्क है जी। कभी कोई एक आध से काम, 50% तो ब्लूम से ही आता है इनका जी। तो वो एक रिस्क है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इनकी ज्यादा है, इनकी साइज को देखते हुए, जो थोड़ा आईपीओ से फर्क पड़ेगा। आईपीओ आने के बाद वर्किंग कैपिटल में पैसा यूज कर लेंगे वो है। अब इसमें दो चीजें हैं दीप की, एक और आप जहां आपके क्लाइंट्स भी लिमिटेड है, हाई एंड प्रोडक्ट है, तो वो हल्की सी रिस्क रहती है छोटी साइज वाली कंपनी के। लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड और जो इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो प्रमोटर्स के बैकग्राउंड से कंफर्ट आता है, लगाना चाहिए पैसा, लगाना चाहिए, इंटरेस्ट रहेगा इस। अब यूनिक स्पेस है थोड़ा, तो मजा आया इसको पढ़ के, मजा आया। और मैनेजमेंट भी आपको पसंद है। ऐसे वैल्यूएशन आप देखेंगे बहुत सस्ते नहीं है। अच्छा। बहुत सस्ते नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतने सस्ते वैल्यूएशन नहीं कि मैं, इसलिए मैंने वैल्यूएशन पे कुछ लिखा ही नहीं। कंपेयर किसके साथ क्यों? कंपेयर तो किसी से करूँ ही नहीं, करने जैसा है नहीं कोई कंपेयर करने। तो वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते दे सकते थे मैनेजमेंट, कर सकते थे, लेकिन क्या है, उनको भी पता है कि लोग लाइन लगा के लेंगे, छोटा आईपीओ है, इंटरेस्टिंग स्पेस है, इसलिए महंगा रखा है। लेकिन ये वैसे ही हाल है, महंगा था, महंगा है, महंगा रहेगा, इसलिए लगा लीजिए। क्लियर, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो MTAR टेक्नोलॉजीज क्लियर सलाह आपके लिए, पैसे लगाने हैं इसमें। आइए कुछ और स्टॉक्स